दीपावली आते ही दफ्तर में एक चर्चा छिड़ जाती है, बोनस कितना मिलेगा और इससे फायदा कुछ होगा या नहीं, कुछ बढ़िया सा गिफ्ट आ जाएगा या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बोनस का चलन है ये आखिर आया कैसे, क्यों कंपनी दीपावली में बोनस देती है और इसकी कहानी क्या है, आपको बताते हैं। और कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब भारत सरकार ने एक कानून बनाया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसमें कहा गया कि कंपनियों को दीपावली में कर्मचारियों को दिवाली बोनस देना अनिवार्य होगा। लेकिन कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू होने से पहले सभी कर्मचारियों को संस्थान और संगठन साप्ताहिक भुगतान करते थे, माने एक साल में कर्मचारियों को 52 वेतन यानी 13 महीने के बराबर वेतन मिलता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने मासिक वेतन यानी कि मंथली पेमेंट शुरू कर दिया, यानी हर महीने में 4 हफ्ते का वेतन मिलता था और इस तरह से केवल 48 सप्ताह का ही वेतन मिलने लगा और 4 हफ्ते के वेतन का लोगों को नुकसान हो गया। अंग्रेजों की नई व्यवस्था लागू तो हुई पर जल्द ही कर्मचारियों को मालूम हुआ कि साहब नुकसान हो रहा है, पहले जहां 52 हफ्तों का वेतन मिलता था अब 48 हफ्तों का ही मिल रहा है। इसका लोगों ने विरोध किया, विरोध बढ़ा तो 1940 में अंग्रेजों ने नई व्यवस्था बनाई कि 13वें महीने का वेतन कर्मचारियों को दिवाली पर दे दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो इसी 13वें वेतन को दिवाली बोनस के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि आजाद भारत में पता चला कि बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में 13वें महीने का वेतन नहीं दे रही हैं, और इसीलिए साल 1965 में नया कानून लाया गया और इस साल लागू किए गए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार कर्मचारियों को उनके वेतन का कम से कम 8.33% बोनस के रूप में देना अनिवार्य हो गया, और तभी से ये व्यवस्था चली आ रही है जो अब तक लागू है। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।